प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब नमस्ते, आपसे बहुत दिनों बाद मैं रूबरू हो रहा हूं। जो प्रश्न यही है कि कांग्रेस के लिए जितना ये ज्यादा अहम चुनाव मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव इन तीन राज्यों में बनिस्पत बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी हालत में कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती है चुनाव लूज करना। इस पे पहला एक आपका कमेंट ले लें, फिर दोबारा आएंगे। देखिए आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मानता हूं कि ये तीन चुनाव कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी नाव में दो छेद हो चुके हैं, एक हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, एक कर्नाटका में हो चुका है। कर्नाटका का छेद बहुत बड़ा छेद है। अगर ये तीन छेद हो गए, अगर मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से मुझे विश्वास है ये तीनों छेद होंगे और इतने बड़े छेद होंगे। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में के अंदर जिस तरह भगदड़ मची हुई है बीजेपी के अंदर, और जिस दिन चुनाव घोषित होंगे कम से कम 40-50% बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे। यही राजस्थान में होगा और यही छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन है बीजेपी। तो अभी तक जैसे आपने कहा कि ये चर्चा चल रही थी कि मोदी जी को हराना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मुझे लगता है कि मोदी जी को जिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो आज की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से किसान आंदोलित हैं, जिस प्रकार से बेटियां आंदोलित हैं, जिस प्रकार से युवा आंदोलित है, जिस प्रकार से व्यापारी आंदोलित है, और जिस प्रकार से जो ये तूफान आने वाला था, ये तूफान जाने वाला था कहीं और चला गया गुजरात, तो ये इंगित हो रहा है कि ये जो पूरा नाटक हुआ था सेंगोल का और जिस प्रकार का एक कर्मकांड को सिद्ध करने का प्रयास हुआ था, ना तो महादेव खुश हैं ना राम खुश हैं। तो मुझे ये लगता है कांग्रेस से ज्यादा ये बीजेपी के लिए जीवन और मौत का सवाल है। और जो इशारे मिल रहे हैं, जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उस इंडिकेटर्स के अनुसार बिल्कुल पूरी उनकी नैया डूब रही है। उनकी नैया से लोग भागने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस से जो लोग जा रहे थे उनका जाना रुक ही नहीं गया है, लोग उनकी तरफ वापस लौट के आ रहे हैं। आज आपने देखा सिंधिया जी के एक बहुत खास नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में आए हैं। तो जो सिंधिया समर्थक हैं उनको ना टिकट मिलने वाला है, हो सकता है अगले फेरबदल में सिंधिया जी के लोगों को निकाल दिया जाए मंत्रिमंडल से, ना वो कांग्रेस में जा पाएंगे ना बीजेपी में जा पाएंगे। और वस्तु स्थिति ऐसी बन रही है कि ये तीन जब छेद होंगे उनकी नैया में, उसके बाद उस नैया का पानी के ऊपर तैरना आनंद जी मेरे हिसाब से नामुमकिन होगा। कांग्रेस तो जो स्थिति है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए ये जीवन और मरण का प्रश्न है। और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, अगर ये परिस्थितियां एक साल ऐसी रही तो बीजेपी के लिए ये तीन चुनाव क्या 2024 का चुनाव भी जीतना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, एक चीज जरा आपसे और पूछनी है, क्योंकि मैं लार्जर डिबेट आज कर रहा हूं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो मुझे तीन राज्य के बारे में, और हम लोग को बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग जनरली उन राज्यों की बात नहीं करते। मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर अगर जल रहा है और उसके लिए एक सिंगल पार्टी और एक सिंगल व्यक्ति जिम्मेदार है, तो उस सिंगल व्यक्ति का नाम अमित शाह और उस सिंगल पार्टी का नाम बीजेपी है। क्योंकि हर स्टेट की अपनी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में तो इतनी जनसंख्या है, 24 करोड़ जनसंख्या है, ईस्ट वेस्ट की समस्या है, बुंदेलखंड की अलग समस्या है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में आग लगाने का काम बीजेपी ने किया है, दो कम्युनिटीज को लड़ाने का काम किया है कि हिंदू क्रिश्चियंस वहां हो जाए, तो मणिपुर जल रहा है। जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने की ताकत रखते हैं वो अपने घर को जाके ठीक नहीं कर पा रहे हैं वहां पर कैंप करने के बाद भी, नंबर एक। नंबर दो, नागालैंड की समस्या आज देश के सामने लगता है कि नहीं, नागालैंड का लोगों को लगता है ठीक है नॉर्थ ईस्ट है। नागालैंड की समस्या सुलझी नहीं है और नागालैंड हम सुलझाना भी नहीं चाह रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जो भी जरा भी इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिक्स में, कश्मीर का हर व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे लिए कब बोलोगे, क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है इस समय। मैं इन तीन राज्यों की बात कर रहा हूं क्योंकि जब लार्जर बात हो रही है तो जिस तरह से लोकतंत्र इन तीन राज्यों में देखा गया, मैं उस पर भी थोड़ा आपका कमेंट जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट होंगी कहीं ना कहीं इलेक्शन में, ये भी इफेक्ट करेंगी बीजेपी को। देखिए आनंद जी, दो राज्य को और जोड़ लीजिए। उत्तराखंड में पुरौला के अंदर जिस प्रकार के मुसलमान दुकानदारों को कहा गया है कि दुकानें और घर खाली करके चले जाओ वरना तुम्हें हम देख लेंगे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर के अंदर हुआ है,
उसका आप अंदाजा लगाएं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं। ये केवल मणिपुर नागालैंड में आग नहीं लगा रहे हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं। मैं देखिए एक टिप्पणी करना चाहता हूं जो ब्रिजेश जी ने कहा, इन्होंने कोई वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा नहीं किया, किया है इन्होंने एक वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा कर दिया है ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह को। जो ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह की मीटिंग हुई उसमें आपने उनके भक्तों और भक्तिनों को देखा, भक्तिन कह रही हैं कि हम है ना हमें बुला लेते रात को, और भक्त कह रहे हैं कि उन पहलवानों की क्या सूरत है। ये वैकल्पिक नेतृत्व है बीजेपी का जो देश की नारियों को देश की बेटियों को अपमानित करते हैं। ये है आज की तारीख में अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने कोई वैकल्पिक नेतृत्व दिया है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया है। एक तरफ बेटियां रो रही हैं और इस तरह से इन्होंने पूरे देश में और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे आग लगा दी है, चाहे वो जो हिंदू सिख वो हिंदू और क्रिश्चियनों की लड़ाई करा के मैथी और जो इन्होंने वहां पे कुकियों के बीच में और कुकी जो है वो शरणार्थी स्थलों पर चारों तरफ से घेर के उनको मारा जा रहा है। तो जिस प्रकार का आतंक इन्होंने देश के अंदर मचा दिया है, आप सोचिए ये वो पुरौला के अंदर बसे हुए मुसलमान थे जो दारा शिकोह के समय में औरंगजेब के जमाने में वहां भाग के उन्होंने शरण ली थी, कितने सालों से वहां पे रह रहे हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है छोड़ के वहां से आ जाइए वरना हम आपको देख लेंगे। ये पूरे देश में दावानल बनाना चाहते हैं, पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। और आज की तारीख में आनंद जी जो वास्तविकता में सबसे बड़ा मलहम का काम कर रहा है, जो पेन किलर का काम कर रहा है, वो एक नारा कर रहा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और मैं आनंद जी आपको बताता हूं अपने अनुभव से, जो व्हाट्सएप पे मैं झेलता था आज तक अपमान झेलता था, पिछले एक महीने से भक्त लोग जो है सहमे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है, वो इनकी मूर्खताओं को झेल नहीं पा रहे हैं। अकेला मैं जिसे अभिमन्यु फंस जाता था चक्रव्यूह के अंदर और सारे धुरंधर घेर लेते थे, आज की स्थिति में मैं अकेला, कोई जवाब मुझे इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि इतनी मूर्खताएं कर रहे हैं। तमिलनाडु में जाके कहते हैं तमिलनाडु का प्रधानमंत्री बन जाए, अरे तो गुजरात वाले आपको क्यों वोट देंगे, उत्तर प्रदेश के वाले क्यों वोट देंगे, वो तो इसलिए वोट देते थे कि योगी जी शायद बन जाएं, मोदी जी बन जाएं, इसलिए गुजरात वाले वोट देते थे। जाइए तमिलनाडु में एक दो सीट ले लीजिए, गुजरात उत्तर प्रदेश की सीटें गायब। तो वास्तविकता में ये चुनौती आनंद जी इतनी बड़ी है, मैं बिल्कुल 1977 का रिपीटेशन देख रहा हूं, उस समय जवान था मैं। और जब जब वहां पे जनता पार्टी मोरारजी देसाई की भोपाल के अंदर मीटिंग हुई थी, पहली बार मेरी पहली नौकरी लगी थी 1977 में, चादर फैला के खड़े होते थे लोग, जेब से नोट बिखेरते थे, यही स्थिति में देख रहा हूं इस बार 1977 का रिपीटेशन होगा। जनता बैठी है, तैयार बैठी है, और एक मंत्री जो है वो प्रेस रिपोर्टर से भाग रही हैं और एक प्रेस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल रही हैं। ये स्थिति है आज की तारीख में। आनंद जी मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में जैसे व्यास जी ने कहा मंजरी इस पेड़ में बहुत ज्यादा है उसमें नहीं है, जो गुजरात के अंदर तूफान आया है जो थोड़ी बहुत मंजरी गुजरात के अंदर लगी थी वो भी झड़ जाएगी, अब जो मंजरी निकलेगी वो बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाटरलू होगा, जिसको हर आदमी ये कह रहा है कि अभी भी योगी जी की व्यवस्था वहां पे ठीक है, वास्तविकता में वाटरलू होगा। 10 सीट भी उत्तर प्रदेश में अगर 2024 में बीजेपी निकाल ले तो मुझे लगेगा कि 1977 का रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है 1977 का ही रिपीटेशन अंजी होगा। अखिल स्वामी साहब एक चीज बताइए, मुझे एक ट्रंप कार्ड लगता है जिसको अभी तक हम लोगों ने बहुत उस दृष्टि से नहीं देखा। उत्तर प्रदेश को आप भी ठीक से पहचानते हैं, मायावती जी थोड़ा उनका जो स्विंग है वो डाउनफॉल की तरफ है, खड़गे जी की बात कहीं से आ रही कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि शायद सोनिया जी की तबीयत नहीं ठीक होगी तो वो वहां से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि खड़गे जी वो ट्रंप कार्ड हो सकते हैं जो इसकी जरूरत शायद कांग्रेस को है, वो एक क्योंकि खड़गे जी के पास बहुत से गुण हैं, लंबा राजनीतिक जीवन है, सीनियोरिटी बहुत है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा इसका वो है, अध्यक्ष हैं, बोलते हिंदी अंग्रेजी साफ साफ है, और जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के लोग कम से कम मैंने जितना वो लोग उत्साहित हैं, वो उनको अपना नेता की तरह देखते हैं कि ये हमारा नेतृत्व कर सकता है, और पूरा देश भी उनको पढ़े लिखे लोग मैं हम और आप भी उनको लगता है कि पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है। थोड़ा प्रोफेसर अखिल आपसे कर लो फिर ज्ञान जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब
देखिए आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी आपने कहा हो सकते हैं, मुझे लगता है हो गए हैं। देखिए मैं जब खड़गे जी को देखता हूं तो मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिखते हैं। मेरा सौभाग्य नहीं था कि बाबा साहब को मैं देखता, लेकिन मुझे खड़गे साहब में अंबेडकर साहब दिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर खड़गे साहब के जीवन की पूरी यात्रा को देखें आप, जिस प्रकार का बचपन उन्होंने देखा है, जिस प्रकार से उनकी माँ और बहन को जिंदा राजाकारों ने जला दिया था और भाग के अपने पिता के साथ, और पिता ने मजदूरी की थी, फिर उन्होंने लॉ किया, किस प्रकार का जीवन का संघर्ष रहा, बिल्कुल उस प्रकार का संघर्ष है जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष था। तपे तपाई नेता, देख के श्रद्धा का भाव हम लोगों के मन में उमड़ता है। और वास्तविकता में रायबरेली से अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और नीतीश कुमार अगर फूलपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, आनंद जी मैं आपसे कहता हूं, अगर नीतीश कुमार फूलपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, ये जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का वोट बैंक, ये इतना डिसाइडिंग वोट बैंक है 15-20 सीट उत्तर प्रदेश में, कि ये वो वोट है जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, पूरी तरह से अपोजिशन के साथ आ जाएगा तो सारी सीटों का सत्यानाश हो जाएगा बीजेपी का। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिरूप देखता हूं मैं खड़गे साहब में। अगर खड़गे साहब वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी चुनाव की यात्रा बिल्कुल पलट जाएगी, जैसे बाबू जगजीवन राम को इंदिरा जी ने जब अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस का, बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति आनंद जी होगी पूरे हिंदुस्तान में।